इस युद्ध के अंत में भी यही सत्य रहेगा, तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र मेरा अंतिम संस्कार एक शत्रु के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में कर सकेंगे। भद्राज शीघ्र चलिए। मैं सूत पुत्र हूं, सारथी का पुत्र हूं मैं। बालपन से ही रथ की धुरा संभाली है मैंने, और ये रथ का चक्र मेरे लिए खिलौना रहा है, और मुझे अपने बालपन का विस्मरण नहीं हुआ है अभी। महारथी कर्ण, अर्जुन, मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है, मैंने सदा ही उचित बंध मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो, तीर चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता हूं। केवल संकट समय में ही उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण होगा। पार संकट टल गया तो उन्हें अपनी विद्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। यही उपयुक्त समय, अंगराज कर्ण का वध करो। मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य सब क्यों छूट रहा है मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? अंगराज कर्ण, राम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा, तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। किसी ने समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव। किसी ने समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव। मृत्यु का भी स्वीकार करता हूँ। बस एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, आपके रथ का पहिया भूमि में धसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? विचार मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण का वध कर। मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अवश्य करूंगा, योद्धा हूं, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। कि अंत में मैंने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। रिश्तों की ये कैसी व्यथा है।